गुड इवनिंग क्लास, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट हो रही होती हैं और आपके इस बार 2024 की परीक्षा में ये अभिक्रियाओं के आने की चांसेस जो है वो 100% है। आज की क्लास में जो अभिक्रियाएं बताई जा रही हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के उनके चांसेस जो है वो 100% है, यानी 100% ये अभिक्रियाएं आपके इस बार 2024 के बोर्ड परीक्षाओं में आकर ही रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी रिप्लाई कर देंगे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ठीक है। और अगर आवाज पहुंच रही होगी तो आप सबको मालूम है कि आप लोगों को क्या करना है, सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलना है बिना सोचे, ठीक है। अगर मेरी अभी मेरी आवाज जो है वो आप तक पहुंच रही होगी तो आप लोगों को क्या करना है वो आप जानते हो, सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलना बेटा, ठीक है। एक एक अभिक्रियाओं पर बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जो बच्चे जिन बच्चों को मैं पहले बता चुका हूं ये अभिक्रियाएं वो भी पीछे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज में जो हम अभिक्रियाएं हैं उनका थ्योरी के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहली अभिक्रिया जो है हमारी वो है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप देख रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में ये कितने बार पूछा हुआ है, ये भी यहां पर मेंशन है। कितनी बार पूछा हुआ बेटा? तो 2014 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो कई बार रिपीट हुआ है। 14, 15, 16, 17, 20, 22 इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो आपको करना क्या है? तो पहली बात तो सर ये अभी आता कैसे है क्वेश्चन? तो यहां पे दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आपको दे देगा कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, और एक तरीका आएगा कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के रासायनिक रूप लिखिए, मतलब समीकरण लिखिए। तो दोनों में क्या करना है? अगर टिप्पणी लिखना है तो की बात, और अगर आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है तो की बात। दोनों तरीके के सॉल्यूशन को आज मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको। क्या करना है ध्यान समझेंगे, अगर टिप्पणी लिखने के लिए आया तो आपको ये कंटेंट लिखने के बाद उसकी अभिक्रिया लिखनी होगी, रिएक्शन लिखना होगा। नहीं तो अगर खाली रिएक्शन लिखने के लिए आया तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, वो क्वेश्चन जितने नंबर का होगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताया जा चुका है आप लोगों को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी यहां पर एक एल्किल समूह होगा और एक एरिल समूह होगा। एक एल्किल हैलाइड होगा, एक एरिल हैलाइड होगा, जो आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे होंगे? एरोमेटिक एल्केन बना रहे होंगे। आइए देख लेते हैं क्या है बेटा। जब हम एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से, देखो क्या होता है कि जो हम लिखते हैं अभिक्रिया में उसी को एज अ स्टेटमेंट लिख दिया जाता है तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखो मैं अगर हम लोग डायरेक्ट अभिक्रिया की बात करें तो हम लोग अभिक्रिया कुछ ऐसे ही लिखते हैं, क्या करते हैं बेटा, ठीक, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही होती है आप सभी जानते हो कि सर ये अभिक्रिया जो है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही होती है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही होती है और आपका बन क्या जाता है? आर ए आर। अब ए आर से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये ए आर होता क्या है, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग होता है। तो अगर आप ए आर मेंशन कर रहे हो तो ए आर मेंशन कर लो, नहीं तो आप यहां पर इसी की जगह क्या लिख सकते हो, इस तरीके से एक्स बनाया और ये बेंजीन रिंग बना दिया, ठीक है। ये एक्स बनाया, ये बेंजीन रिंग बनाया, तो यहां पर हमारा क्या बन रहा होगा बेटा, यहां पर और करके आर और ये हमारा बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ रहा होगा। तो दोनों का मतलब वही है, दोनों का मतलब वही है, और उधर आपका क्या होगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल रहा होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, ये हो गया, ये जो इस स्टेटमेंट में लिखा है उसको मैंने लिख दिया। अगर खाली रिएक्शन लिखने के लिए आया तो क्या करेंगे, और पूरा टिप्पणी लिखने के लिए आया तो क्या करेंगे, वो हम बात कर रहे हैं। यहां एक बार में कई चीजें आप समझोगे, ठीक है। एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराकर एरोमेटिक,
क्या बनता है बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को वुड-स्पिटिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या प्राप्त होता है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वुड-स्पिटिक अभिक्रिया कहते हैं। जो स्टेटमेंट था वो फॉर्मेट मैंने यहां पे लिख लिया कि Rx plus 2Na plus XR रिएक्शन करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका क्या बना देगा? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना देगा। ये क्या बना? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया। चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये लिख दिया, अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखा दोगे। एग्जाम्पल में सर क्या दिखा दें? तो R की जगह आप कुछ भी ले लो, यहां तो आपका X की जगह कुछ भी ले लो। तो जैसे मैंने यहां पर ले लिया क्या, CH3Cl, मैंने क्या ले लिया? CH3Cl, और अभिक्रिया जो है वो सोडियम के साथ, और यहां पर जो हमने ले लिया वो ले लिया Cl बेंजीन रिंग, Cl बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग को बेटा आप ऐसे लिखने का मन है ऐसे लिखो, नहीं ऐसे मन है आप इसको ऐसे लिख दो C6H5। ये भी वही चीज है। तो बनेगा क्या, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। कहीं आप ऐसा लिखा हुआ देखिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? वो भी वही सेम चीज है। तो क्या बन रहा होगा बेटा? ये आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर CH3 प्लस 2 मोल किसका? सोडियम क्लोराइड का। 2 मोल किसका बन रहा है? सोडियम क्लोराइड का। तो इसको हम लोग कहते क्या है बेटा? टोलुइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोलुइन। क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। ये क्या था हमारा? क्लोरोबेंजीन। ये क्या था? क्लोरोबेंजीन। और ये क्या था बेटा? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो जब हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे होते हैं तो ये क्या बना लेता है? टोलुइन बना लेता है। तो यहां पर आपका कन्वर्जन भी पूरा हो गया। तो अगर टिप्पणी लिखने के लिए आया तो आप क्या करोगे? फॉर्मेट लिखोगे, मतलब सॉरी स्टेटमेंट लिखोगे, क्या क्या हो रहा है उसका फॉर्मेट लिखोगे कि वो अभिक्रिया कैसे कैसे हो सकती है, और उस आधार पर एक एग्जांपल दे दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन खाली आ गया कि वुड-स्पिटिक अभिक्रिया लिखो तो आपको क्या करना है? खाली रासायनिक समीकरण देना है, तो आप खाली ये दिखा सकते हो या खाली ये दिखा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक भी आप खाली दिखा दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। दोनों दिखाने का मन होगा दोनों दिखा देंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक बार रिप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है? आइए अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं एल्किल हैलाइड के बाद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली अभिक्रिया पर चलिए। अगली अभिक्रिया है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है बेटा? फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत बार पूछी गई है। कितनी बार पूछी गई है वो आपके सामने दिख रहा है। ये भी देखो बेटा 2014 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है और 22 में आया है। मतलब 5 साल पूछा गया है, इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सर आप इतने श्योर कैसे हैं? मैं 100% श्योर हूं। अगर ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। किस तरीके से इनडायरेक्ट पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार सभी बता दो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? चलिए आइए, बात क्लियर है सबको? तो आइए देखते हैं यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट में क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम है तो आप एक बार खाली ये स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर आप लिख लोगे। जिन बच्चों को पता होगा उनको इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, वो खाली रासायनिक अभिक्रिया से भी स्टेटमेंट बना लेंगे। लेकिन आप लोगों का कहना था कि सर उसका डिफिनेशन भी लिखवा दीजिए, तो मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया। डिफिनेशन में कुछ अलग से हम लोगों को नहीं जोड़ना होता है, जो हम अभिक्रिया करा रहे होंगे उसी चीज को एज अ डिफिनेशन लिख रहे होते हैं यहां पर। जैसे देखो मैं डायरेक्ट पहले एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ठीक है? इसका डायरेक्ट एग्जांपल लिख दे रहा हूं जो दोनों बनेंगे, फिर हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं बेंजीन, हम लोग क्या लेते हैं? बेंजीन। और इस बेंजीन की अभिक्रिया
यहां पर दो टाइप का फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया होता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सर कौन सा दो टाइप होता है? तो एक होता है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसिलीकरण और एल्काइलीकरण। तो क्या होता है, तो बेंजीन रिंग की का रिएक्शन जब है, हम मेथिल क्लोराइड के साथ मान लो करा दिए एल्किल हैलाइड, इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। तो जैसे ही हम इसके साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति ध्यान रखनी है, उपस्थिति ध्यान रखनी है। तो उपस्थिति में देखो, अगर आपने को याद है तो आप लिख लोगे कि सर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो सर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल AlCl3। तो जैसे ही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आप बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराओगे, तो क्या होगा, ये क्लोरीन बेंजीन पे लगे हुए किसी एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा। किस रूप में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। किस रूप में बाहर निकलना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में बाहर निकलना है, और ये CH3 जाकर जुड़ जाना है उस पर। तो जाकर जुड़ जाना है, तो क्या जुड़ जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, और ये बना क्या लेगा, फिर से देखो बन रहा है हमारा टोलुइन, फिर से क्या बन रहा है, टोलुइन बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, देखो बेंजीन से टोलुइन कैसे बनाएंगे, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, बाकी फ्रीडलक्राफ्ट में आया तो करेंगे, ठीक। अच्छा, एसाइलेशन में क्या होता है, तो देखो समानताएं कितनी है, समानताएं कितनी है, तो बेंजीन रिंग इसमें भी लेना है, बेंजीन रिंग इसमें भी लेना है, और इसमें भी हमारा निर्जल AlCl3 होगा, और इसमें भी जो है हमारा HCl जो है वो बाहर निकल रहा होता है। बस अंतर किस चीज का होता है, तो अंतर इस चीज का होता है कि यहां पर हम एसिल हैलाइड लेते हैं, यानी CH3COCl लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिल हैलाइड CH3COCl लेंगे, और ये वाला Cl फिर इसके एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया, तो वो HCl बना लिया, बाकी बचा हुआ पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाएगा यहां पर, COCH3 बेंजीन रिंग के साथ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो, एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, बात समझ में आ रही है या नहीं। अब जिन बच्चों को यह समस्या, सर ये कैसे जुड़ा, ये कैसे जुड़ा, कैसे बताइए हमको थोड़ा सा तो एक चीज समझो, पहले जैसे बेंजीन से इसके साथ अभिक्रिया कराया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, टोलुइन कहते हैं, ये बात हमको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से बेंजीन की अभिक्रिया जब हम एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो ये जो बनता है इसको हम लोग बेटा एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन। नाम हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, IUPAC जब भी आ रहा होगा तो आप लोग इंग्लिश को ही प्रिफर करोगे, हिंदी पे फोकस नहीं करना है। हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे होगे तो बहुत ज्यादा आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। तो ये बनाता क्या है, एसिटोफिनोन। सर कैसे, क्या, क्यों वाला कॉन्सेप्ट है वो भी समझा देते हैं, बट वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको खाली क्या कि क्या बनेगा वो अगर आपको याद है। तो कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एसिटोफिनोन, तो सर बेंजीन का फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया करा देंगे, यानी बेंजीन की अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एसिल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा एसिटोफिनोन बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो क्या हो रहा होता है, ये जो है ये क्या चीज है, ये समझिएगा, ये क्या चीज है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तरफ लगा हुआ है CH3 और एक तरफ लगा हुआ है Cl, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तरफ Cl एक तरफ CH3 ऐसे लगा होता है, और ये जो हमने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है बेंजीन, और आप जानते हो बेटा कि बेंजीन है तो बेंजीन के हर पर एक एक हाइड्रोजन होगा, बेंजीन के हर पर एक एक हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर देखो ये HCl के रूप में बाहर निकल गया। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इसका ये वाला हिस्सा खाली और ये वाला हिस्सा खाली हो गया, अब ये वाला भाग इसका हो गया खाली और यहां पर इस कार्बन का एक भाग खाली हो गया।
अंतर क्या है कि इस वाले कार्बन के साथ वो था तो इस पे धन आवेश आएगा और यहां पे ऋण आवेश आएगा। अब ये धन आवेश ये ऋण आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ के ये बना लेंगे। तो कैसे जुड़ रहे हैं वो अभी आपको यहां पर फिलहाल नहीं समझना है, लेकिन हमने वो भी बता दिया कि किस तरीके से जुड़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उसको नोट करना बहुत जरूरी है। सर डिफिनीशन तो आपने बताया नहीं, डिफिनीशन में कुछ नहीं है, जो यहां पर आपने लिखा है वही डिफिनीशन में है। आओ देख लेते हैं क्या है। कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन या कोई दूसरा, मतलब बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव, वो भी हम लोग आगे बाद में समझेंगे। अच्छा एक उसका भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एक उसका एग्जाम्पल ले लो, बेंजीन या अन डेरिवेटिव की बात हुई ना। तो अब जैसे मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब ये हो गया देखो बेंजीन का डेरिवेटिव। अब इस बेंजीन डेरिवेटिव यानी ये क्लोरोबेंजीन था, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, तो CH3Cl के साथ करा दी। तो क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, किसकी उपस्थिति में बेटा, तो AlCl3। और ये AlCl3 कैसा होगा वो आप जानते हो कि सर निर्जल AlCl3 होता है, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, जैसे ही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो मैंने बताया क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन होंगे वो क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकल गया, ये क्या बना लिया HCl, और यहां पर क्या हो गया इस तरीके से, यहां पर हो गया इस तरीके से ये क्लोरीन, और जहां से निकला है तो यहां का ये CH3, यहां पे लग गया CH3, यहां वाले हाइड्रोजन के साथ निकल गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो ये पहला हो जाएगा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन। ठीक, तो क्या कहेंगे, टू क्लोरो टोलुइन, टू क्लोरो टोलुइन, या फिर टू ना कहके, इसको टू ना कहके इसको हम लोग बेटा और किस नाम से जानते हैं, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन बन गया किससे, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से। जो मैंने बोला बेटा 110% इससे क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं, यानी क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आप यहां पर कर लोगे। क्वेश्चन आ गया कि क्लोरोबेंजीन से ऑर्थो क्लोरोटोलुइन कैसे बनाएंगे, या फिर टू क्लोरोटोलुइन कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से अभिक्रिया करा देंगे बन जाएगा, इस तरीके से अभिक्रिया करा देंगे बन जाएगा। तो क्या है, स्क्रीनशॉट लेते हुए समझते हुए चलेंगे, अगर चीजें क्लियर हो रही है बेटा सभी को तो सेशन को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, और जो भी समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओगे कि किस अभिक्रिया में कौन सी समस्या आपको आई है। आ जाओ आगे देखते हैं, आ जाओ आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया, तो क्या कह रहा था, और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल या एसिल हैलाइड। देखो ये वाला एल्किल हैलाइड है हमारा, ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड है, और हैलाइड में हमने क्या लिया है क्लोरीन, तो क्लोराइड हो जाएगा। और ये वाला क्या है, एसिल हैलाइड है, ये वाला क्या है, एसिल हैलाइड है, और हैलाइड में हमने क्या लिया है क्लोरीन, तो क्लोराइड हो जाएगा, एसिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एसिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 जो कि उत्प्रेरक का काम कर रहा होगा की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन जो है, देखो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा, एल्किल या एसिल यानी ये जो CH3 और COCH3 है इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली अभिक्रिया पे बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए बेटा। ठीक, आ जाओ
अगली अभिक्रिया हमारे पास देखने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोगों को फिर से रिपीट कर दिया जाए, ये जो क्रैश कोर्स 2024 का था आज तक आप लोगों के लिए ये स्पेशल ऑफर रखा गया है 999 वाला, ठीक है। तो 999 में आज आप लास्ट आप आज जुड़ सकते हो, इसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 साल के पेपर, गेस्ट पेपर, संडे टेस्ट, स्पेशल ट्रिक, अगर ये सारी चीजें जाननी है तो आपको क्या करना है, आपको क्रैश कोर्स से जुड़ जाना है जो 2024 का, जिसकी फीस कितनी है मात्र 999 रुपए आज तक के लिए। आज आपका अंतिम ऑफर है, आज का ये आपका अंतिम ऑफर है। आज के बाद ये जो नवरात्रि स्पेशल ऑफर था इसको हटा दिया जाएगा, फिर से वो आपका जो कोर्स था वो 12999 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा बेटा, 12999 में हो जाएगा। तो अगर आप आज ले लेते हो तो आपको 999 रुपए में मिल जाएगा, अदरवाइज आज के बाद आप लोगों को 12999 में। कैसे क्या करना है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, और वहां ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप ऐप से पेमेंट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो ये जो नीचे नंबर चल रहा है इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो इस ऐप से, क्लियर है। आइए अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और कई बार पूछा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन आप देख रहे हो कि सर ये 15 में आया है, 16 में आया है, 19 में, 20 में, 22 में, जो दिख रहा है आप लोगों को 15, 16, 19, 20, 22 का भी पैटर्न है यहां पर। तो आ जाओ देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हम देखो क्या कराएंगे, कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या होना चाहिए, फोकस इस चीज पर करेंगे हम लोग, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है वो आप लोगों को बताया जाएगा जब हम लोग एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो अभी खाली इस अभिक्रिया पर आप फोकस करो, ठीक है, कि कैसे क्या और क्यों हो रहा होता है। तो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में संघनित होकर, संघनित हो जाते हैं, ठीक है, और संघनित होकर एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एल्डोल बनाता है, और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। स्टेटमेंट आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, स्टेटमेंट को आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, कब, जब आपको उसका प्रोसीजर पता होगा कि सर क्या क्यों और कैसे कर रहे होते हैं। अगर आपको मालूम है कि क्या क्या करना है और क्या क्या हो रहा है तो आप स्टेटमेंट आप अपने से भी बना के लिख दोगे, स्टेटमेंट कोई फिक्स नहीं है, बस चीजें याद रखिए कि ये है, तो उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। यही रीजन है कि मैं बाकी अभिक्रियाओं में स्टेटमेंट नहीं लिखवाता हूं, कि स्टेटमेंट आप अपने से बना के लिख लो, क्योंकि हम लिखवा देंगे तो आप उसको याद करने बैठोगे और वो जब याद करोगे तो फिर आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ने तो ये लिखवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा सर ने क्या लिखवाया था। तो जहां लिखवाना है वो मैं लिखवाता हूं, लेकिन ये स्पेशल आज की क्लास में मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट के साथ इसलिए रखा है कि आप लोगों का जो डिमांड है उसको भी थोड़ा सा पूरा कर दिया जाए, कि सर खाली अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, आप ऐसा ना सोचो, आप जैसा चाहोगे वैसा पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं वो भी समझो कि खाली उतना करो जितना हम लोग बता रहे। तो अगर आपको प्रोसेस पता है, अभिक्रिया पता है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। एक बार बात बताओ, समझ में आया कि नहीं, यहां तक, यहां तक बात क्लियर होगी सबको। आ जाओ देखो क्या होता है कार्बोनिल यौगिक, अब मैं थोड़ा सा यहां पे झलक दे दूं, कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, तो ऐसे यौगिक जिनके पास ऐसा क्रियात्मक समूह होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो तरफ कुछ ना कुछ लगा हो। हाँ, दूसरी बात बोला है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, यानी होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे, नहीं होगा तो ये अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग देखो क्या करेंगे बेटा, देखो हमने लिया CH3CHO, इसको ऐसे समझो आप लोग, थोड़ा आराम से ना, कोई जल्दबाजी नहीं हम लोग को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3H, ये क्या है, इसको मैं दोनों फॉर्मेट में लिख रहा हूं, दोनों में से जिस फॉर्मेट में आपका मन करे वैसे लिख लीजिएगा, ये आपके समझने वाला फॉर्मेट है, और ये जो आपको किताब में देखने को मिलेगा वो है क्या, कि सर CH3
CHO ले लेना है, CH3CHO ले लेना है। और जैसे ही आपने ले लिया, अब आप क्या करोगे, देखो एक ये लिया, इसी का दो मोल लेना होता है, इसी का क्या लेना है आपको, दो मोल लेना है। तो एक बार और आपको यही लेना है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, एक बार ये एल्डोल संघनन समझ लोगे, हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जा रहा है बेटा, तो इस बार भी आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ये किस तरीके से आएगा, ये आएगा, ये 110% श्योर है। किस तरीके से आएगा, हो सकता है डायरेक्ट पूछा हो सकता है घुमा के पूछ ले, तो जैसे भी पूछे उस तरीके से आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर एक बार आप समझ लोगे तो। आओ देखो, ये हो गया हमारा HCH3C11O, ये हो गया CH3, वही सेम चीज है, बस दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। आप दोनों को ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको इसी तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जब ये, और ये है क्या सर, ये क्या है आप वो भी बता दीजिए। देखो दो कार्बन है और CHO है तो एल्डिहाइड, और दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य नाम की बात करेंगे तो इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड कहते हैं, या फिर कॉमन नाम ही लिख, मतलब इसका यूपीएसी लिख देते हैं। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए ए, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो अल, इथेनल हो गया। इथेनल से हम क्या बना रहे होंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब इसकी अभिक्रिया आप किसकी उपस्थिति में करानी है वो फोकस रखिए, तो चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, या ऐसा कोई भी, मतलब जितने भी हमारे जो ग्रुप्स मतलब एस ब्लॉक के धातु हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे, कोई भी बेस आप ले सकते हो। सामान्यतः हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जैसे ही यहां पर अभिक्रिया होगा तो यहां पर एल्डोल बनेगा। क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। कौन सा एल्डोल बनेगा सर, ये एल्डोल होता क्या है, तो ध्यान समझो, होगा क्या, होगा क्या, तो ये जो हाइड्रोजन है, अब ये देखो ये इधर बॉन्ड जाता है तो इसके ऊपर ऋण आवेश आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाकर जुड़ जाएगा, और जब ये बॉन्ड इधर गया तो इसके ऊपर आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा धन आवेश, और ये जब हाइड्रोजन निकल के गया है तो इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया है ऋण आवेश। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं बेटा कि कैसे क्या क्यों, वो अभी आप लोग परेशान ना हो, बस जो चीजें समझा रहे हैं वो आप लोग समझो, क्योंकि जो मैंने जीओसी का कॉन्सेप्ट बताया था कि क्लास इलेवेंथ की जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, वो जिन बच्चों को याद होगा उनको ये चीज समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक बता रखे हैं कि जो आप लोग देख लो तो आपका काम हो जाएगा, बाकी तो आप 11th का चैप्टर नंबर 11 और 12 एक बार देख लीजिएगा ऑर्गेनिक में, तो क्लियर हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड इधर जाता है, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ये दे रहा है तो इस कार्बन पे धन आ जाएगा, अब इस माइनस पे ये वाला हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये निकलेगा और जाकर उसमें जुड़ जाएगा, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन यहां जाकर जुड़ गया, इसके ऊपर हो गया माइनस और यहां प्लस है, तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी अब हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, मैं उसको बना रहा हूं, देखिए CH3 था तो CH3 लिखा, कार्बन, इस कार्बन पे देखो O ऊपर था, अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो गया है O, और इस O पर एक ये H जाके जुड़ गया है, तो ये हो गया OH, ठीक, और एक एच इसके पास पहले से था, ये वाला जो इसका वाला एच है, ये वाला एच इसके पास पहले से था, और यहां पर क्या हुआ है, ये माइनस वाला जो होगा, ये माइनस वाला जो होगा बेटा, ये माइनस वाला जाकर अब यहां जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला यहां जुड़ जाएगा, तो जैसे ही ये माइनस वाला यहां जुड़ गया तो अब यहां क्या हो जाएगा, CH2CHO क्या बन गया, तो ये बन गया CH3COH CH2CHO, इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल। अब इसको आप लिखना चाहो तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हो, अगर उतना ओपन करके नहीं दिखाना है तो CH3COHH CH2CHO, इसी को, ये जो बीच में बना इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल डॉल,
क्या कहते हैं एल्डोल, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड से बन रहा है और एल्ड का मतलब एल्डिहाइड और ऑल का मतलब एल्कोहल। एल्डोल क्यों कहा जाता है अगर ये आपसे कोई पूछ ले रहा है कि इसको हम एल्डोल क्यों कहते हैं, तो वो भी आप बता दोगे, सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एल्ड मतलब इसमें देखिए सर एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है और सर इसमें देखिए सर हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित है, तो एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होगा, तो देखो एल्डोल हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा आगे देखिएगा ना भी। अच्छा इसका और नाम क्या लिख लेंगे सर, इसको मतलब नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग कर लो, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऊपर नीचे दोनों एक ही चीज है। मैं बस आपको ऊपर समझने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और नीचे लिखने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लिखते कैसे हैं और समझ लोगे तो कैसे कर लोगे। अब ये इसको हम लोग कहते क्या है, तो देखो तीसरे पर OH लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रो सॉरी थ्री हाइड्रोक्सी, चार हैं तो ब्यूटेन, एल्डिहाइड है तो अल, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल किससे बन गया, इथेनल से। ये हमारे पास क्या था, इथेनल। अब क्वेश्चन आ गया कि इथेनल से थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाइए तो बन जाएगा, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने एल्डिहाइड को एल्डोल में बना लिया, एल्डिहाइड का एल्डोल बना लिया, लेकिन हमको क्या करना है, इस एल्डोल का संघनन कराना है। इस एल्डोल का क्या कराना है, संघनन। सर एल्डोल का संघनन का मतलब क्या होता है, तो इसमें से पानी बाहर निकाल लेना है, इसमें से क्या करना है, पानी बाहर निकालना है। और पानी कैसे बाहर निकलेगा तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग यहीं पर गर्म कर लेंगे, इसको हम यहीं पर क्या कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। और जैसे ही गर्म करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिखने वाला लिख दे रहा हूं अभी, पहले फिर समझाता हूं कैसे हो रहा है। CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एक दो तीन चार कार्बन है तो ब्यूट, देखो नंबरिंग, एक दो तीन चार ब्यूट टू इन वन अल, ब्यूट टू इन वन अल बन गया, क्या बन गया, ब्यूट टू इन वन अल बन गया। कब, जब एल्डोल का संघनन करा दिया, इसको गर्म करेंगे ना बेटा, तो इसमें से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और वो एल्डोल संघनन कहलाता है। अब कैसे बाहर निकला वो समझिएगा, कैसे बाहर निकला उस चीज को समझो। इसमें ये जो H2 देख रहे हो ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये जो H2 है इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूं तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। ये देखो ये वाला H और ये इसके पास ये OH था, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दोनों अलग अलग पार्ट थे उनके जो इसका OH और ये H, ये OH और ये H आपस में निकल जाएंगे, किस रूप में निकल जाएंगे बेटा, H2O के रूप में निकल जाएंगे, किस रूप में निकल जाएंगे, तो H2O के रूप में निकल जाएंगे -H2O, H2O के रूप में निकल गए, बाकी चीजें हमको इस तरीके से मिल जाएंगी, क्या सर CH3CH। अब देखो जब OH जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, OH जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो ये लेके जा रहा है तो इस पे धन आवेश, इस पे ऋण आवेश, इनके फिर से आपके आपस में हो जाएंगे, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CHO, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट टू इन वन अल। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही आसान है, आप एक बार समझ लोगे बेटा तो क्लियर हो जाएगा। और ये बोर्ड की परीक्षा में आता है, कैसे आता है, क्या आता है वो आप देख रहे हो, या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि एल्डोल संघनन बताओ, या आपसे बोलेगा कि इस एल्डोल संघनन से, आपको बोल दिया कि इथेनल से, इथेनल से थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे बनाएंगे, या इथेनल से ब्यूट टू इन वन अल कैसे बनाएंगे, तो हम बना के दिखा देंगे।
अगर एल्डोल संघनन आ रहा होगा तो बात क्लियर है कि नहीं? एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी रिप्लाई करेंगे, बात यहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो क्या करना है, एल्डिहाइड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया कराओगे, दो एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड होंगे तो एल्डोल बनेगा, फिर उस एल्डोल को गर्म कर देंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, वो संघनित हो जाएगा और उसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल संघनन। ये ऊपर मैं समझने के लिए बताया हूं, मेन रिएक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। चलिए, एल्डोल, अगला है कैनिजारो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में बस थोड़ी सी समानता है, मतलब थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो क्या कि जब उन एल्डिहाइडों को के दो अणुओं को उन एल्डिहाइडों के दो अणु यहां भी दो अणु लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान देना, एल्डोल में होता है और कैनिजारो में नहीं होता है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, कास्टिक क्षारो, यानी कास्टिक क्षारो का मतलब वही हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उन्हीं की बात हो रही है, के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर, के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक क्या होगा, अल्कोहल बना लेगा और दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेटा, स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता रखा है कि स्टेटमेंट आप अपने से भी लिख सकते हो, कब, जब आपको चीजें याद हो कि सर कैनिजारो में क्या है, हमको दो एल्डिहाइड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी है और ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो। तो सर अब ऐसा एल्डिहाइड होता कौन है, तो जो हम लोग एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां डिटेल में देख लेंगे। और रही बात ये अल्फा क्या होता है सर, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, तो जो मैंने आप लोगों को बता रखा है वीडियो कि ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले शुरू के कौन कौन से टॉपिक आपको याद रखने होंगे, वहां पर आप जाओगे तो आपको सारा बताया गया है कि अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। तो एक बार ये चीज याद रख ली गई, जो बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैसे क्या क्यों, तो वो वहां से जाके देख लेंगे। ठीक, आ जाओ इनके एग्जांपल पे, बहुत सिंपल सा। तो ऐसा लेना है तो ऐसे में हमारा एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम लोग कहते हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, यहां समझाने वाला काम नहीं, यहां पे डायरेक्ट हम लोग अभिक्रिया लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के कितने लेने हैं, दो अणु लेने हैं और इसकी अभिक्रिया कास्टिक क्षार को, यानी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, इनके साथ आदि के साथ हम लोग करा देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनके साथ कराते हैं तो ये अभिक्रिया होता है। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम हो गया। और IUPAC की बात करेंगे तो हटा दो, एक कार्बन है, मिथेनल, तो मिथेनल का दो मोल लिया हमने और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या बना लेगा, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो लिखा हुआ है कि एक अल्कोहल बनेगा और एक अम्ल बन जाएगा, तो एक एक कार्बन वाले हैं तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर एक अल्कोहल में आपका बनेगा CH3OH, एक आपका एक कार्बन वाला, देखो एक एक कार्बन है तो जो है उसका अल्कोहल बना देना है, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा प्लस आपको यहां बन जाएगा HCOONA, तो वो एक एसिड बन गया और एक आपका अल्कोहल बन गया। ये क्या है, तो ये है मिथेनॉल, मिथेनॉल, और ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम, सोडियम फॉर्मेट, इसको क्या कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट।
नाम याद रहेगा आप बना लोगे। तो अब क्वेश्चन आ गया, मिथेनल से मिथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो कैनिजारो अभिक्रिया से। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिथेनल से मिथेनॉल किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, किन अभिक्रिया द्वारा, तो कैनिजारो से हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और ऑप्शन देख के हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, एक ये हो गया, एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, बेंजल्डिहाइड जो होता है, बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड भी जो होता है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जब हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, अगर मान लो मैंने दो बेंजल्डिहाइड ले लिया, मैंने क्या ले लिया, दो बेंजल्डिहाइड ले लिया, किसके साथ अभिक्रिया करा दिया, इसकी भी अभिक्रिया सर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही साथ करा देते हैं, आपका मन है पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, जो मन करे वो ले लीजिएगा, उसके आधार पर थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी और कोई नहीं। चेंज कहां होगा, तो यहां चेंज होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह के ले लिया होता, तो यहाँ सोडियम फॉर्मेट की जगह पोटेशियम फॉर्मेट बनता। क्या बनता, सोडियम की जगह पोटेशियम बन जाता, बस ये ध्यान देना ना। तो अब इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो एक तो मिलेगा CH3CH2OH, एक मिलेगा CH3CH2OH, यानी एक अल्कोहल मिलेगा, और एक आपका क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग COONA, एक आपका मिलेगा CH2OH और एक आपका मिलेगा COONA, ठीक है नाम। तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, तो ये क्या है बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी हम लोग समझेंगे इसको बाद में, जब अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो। बेंजाइलिक अल्कोहल, जो बच्चों को पहले अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम, सोडियम बेंजोएट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट, क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट। क्लियर है, बहुत आराम से याद रखना है कि कैनिजारो में क्या बन रहा है, तो वो अगर आपको याद है तो आप बना लोगे। एल्डिहाइड लेना है, कौन सा एल्डिहाइड लेना है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एल्डिहाइड कैसा लेंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर चीजें समझ में आ रही बेटा, तो एक बार सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूले, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो अभी तक क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द क्रैश कोर्स से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ना है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वहां से आप जुड़ जाओगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं। चलिए, अगली अभिक्रिया बेटा राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। ये भी देखो 2014, 2016, 2017, 2022 में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। डायरेक्ट पूछा जाए या इनडायरेक्ट पूछा जाए वो मैं नहीं बता सकता, हाँ लेकिन पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है बेटा, तो देखिएगा, जब फिनॉल की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, किसकी, फिनॉल की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किसके साथ कराई जाती है बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, तो सेलिसल, सेलिसल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सेलिसल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराए जाने पर सेलिसल डिहाइड प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार रिप्लाई करिए जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से एक बार रिप्लाई करिए।
चलो यहां तक बात क्लियर है, आइए अभिक्रिया देख लेते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया करानी है तो फिनॉल आप जानते हो, फिनॉल आप जानते हो सर, फिनॉल क्या होता है तो बेंजीन रिंग पर लगा OH, ठीक। इस फिनॉल की अभिक्रिया देखो, आप लोगों को डायरेक्ट वाला भी मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट ये लिखेंगे फिर इसको लिख देंगे बन जाएगा। यहां पर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने बोला यहां पर टिप्पणी वाला भी आ सकता है, तो टिप्पणी वाले में थोड़ा सा हमको बढ़ाकर लिखना होता है, तो उस बढ़ाकर लिखने के अकॉर्डिंग हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। अगर बढ़ा के लिखने के लिए आ गया तब क्या करना है, उस आधार पर यहां पर बात हो रहा है, ठीक है बेटा। तो हम लोग फिनॉल लेंगे और फिनॉल की अभिक्रिया जैसे बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और किसके साथ बेटा, CHCl3 और NaOH के साथ, तो 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं। तो जैसे ही इसकी अभिक्रिया आप किसकी, इस फिनॉल की अभिक्रिया आप करा रहे होगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बन रहा होता है OH CH OH का होल ट्वाइस। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इस पर हमको फोकस नहीं करना है, इस पर हमको फोकस नहीं करना है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, तो सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया होगी बेटा, ठीक, 3 मोल लेंगे सोडियम क्लोराइड का और जल लेंगे, माध्यम कौन सा रखना है, अम्लीय माध्यम रखना है। माध्यम कौन सा रखेंगे, अम्लीय माध्यम रखेंगे, देखिए माध्यम अम्लीय रखेंगे, H प्लस लिख दिया यानी ये अम्लीय माध्यम। तो जैसे ही अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया होगी तो आपका मेन उत्पाद हमारा क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड, क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड, यानी ये OH यहां पर और ये CHO यहां पर, इसको कहते हैं हम लोग सैलिसिलडिहाइड। आप ये बीच का स्टेप नहीं दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जो आप लोगों को पहले बताया गया उस आधार पर भी लिख लोगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। एक बार रिप्लाई करो, यहां तक बात क्लियर है, जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार रिप्लाई करिए। हाँ या ना, तो यहां तक क्लियर बेटा। तो ये जो 5 अभिक्रियाएं आप लोगों को बताई गई हैं, इन 5ों अभिक्रियाओं को बेटा आप लोग एक बार बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम और भी देखो, एक साथ में ज्यादा बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ज्यादा पर फोकस नहीं करना है। जो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिया जा रहा है उन अभी इन 5ों अभिक्रियाओं को आप लोग कम से कम 2 से 4 बार आप लिख लो, और 4 बार लिखने के बाद इनसे क्या क्या बन सकता है, इनके जो प्रोडक्ट हैं इन पर भी आप फोकस करो कि मीथेनल है तो मीथेनल ही जरूरी नहीं है, मैं इसकी जगह कुछ और लेके बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, आप उस पर भी प्रैक्टिस करो। क्योंकि कन्वर्जन जो है मतलब कैसे प्राप्त करेंगे, अब आ गया इथेनल से, इथेनल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो वहां पे हमको इथेनल ले लेना है, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है, यहां पर इथेनॉल बन जाएगा, और यहां पर जो सोडियम फॉर्मेट बना है सोडियम एसीटेट बन जाएगा। जैसे ये देखो, अगर मैंने बोला तो कैसे बनाएंगे वाला भी काम हो जाएगा, मैंने ले लिया यहां पर नहीं बनेगा ना इथेनल, यहां से नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कैनिजारो में ये काम नहीं होगा, कैनिजारो में ये काम यहां पे इथेनल नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देखो इथेनल ले लोगे तो उसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये कह रहा था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो क्या इथेनल से इथेनॉल अल्फा कैनिजारो मेथड से बनेगा, नहीं बनेगा।
तो ये सारी चीजें जितनी अभिक्रियाएं बताई गई हैं, इन चीजों को आप लोग ध्यान दो कैसे क्या हो रहा है। एल्डोल कैनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे क्रैश कोर्स से ना जुड़े हों वो अभी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद आज के बाद ये जो आपका 999 वाला प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा बेटा, तो फिर से आपका वो 1299 में आ जाएगा। तो आज तक के लिए आपके पास ये ऑफर है, तो आप जल्द से जल्द इस बैच से जुड़ जाइए, नहीं तो फिर बाद में आपको इसी बैच से जुड़ने के लिए पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अभी जो नवरात्रि स्पेशल है वो आज तक और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।